हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बना रहे हैं ब्रेड का हलवा और ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही जल्दी बनने वाला रेसिपी है, तो चलो शुरू करते हैं। और ये ब्रेड का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है टोटल 12 ब्रेड्स और इनको यूज़ करके हम बनाएंगे ब्रेड का हलवा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनके जो कॉर्नर्स हैं, ये जो ब्राउन कॉर्नर्स हैं, इनको हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा और उसके लिए हम यहाँ पे चाकू को यूज करके इनको कट कर लें। तो यहाँ पे हमें इनके जो ब्राउन कॉर्नर्स हैं उनको यहाँ पर हटाना है, तो हम इसको इस तरह से कट करेंगे। यहाँ से पूरा ब्राउन हटाना है, फिर हम इसको इस साइड से कट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमें इसके जो भी ब्राउन कॉर्नर्स हैं उनको हटाना है और इस तरह से हमें सारी ब्रेड्स को यूज करना है। कॉर्नर्स हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉर्नर थोड़े से हार्ड होते हैं और फिर ये हलवे में अच्छे से पकेंगे नहीं और हलवे को अच्छा टेक्सचर नहीं देंगे, इसलिए इनको हम यहाँ से हटा देंगे। तो इसी तरह से हमें बाकी ब्रेड्स को भी कॉर्नर्स हटाने हैं उनके। और ब्रेड का हलवा बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो आप ब्रेड लोगे वो थोड़े देर पहले, आप हलवा बनाने से थोड़ी देर पहले आप उनको फ्रिज में से निकाल दें। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट ब्रेड आपको नहीं लेनी है, थोड़ी देर आप उनको ओपन एयर में रख दें ताकि वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए और उनके कॉर्नर्स ईजिली कट जाए। तो अब आप देख सकते हो हमने हमारी सारी ब्रेड्स को जो है उनके कॉर्नर्स हमने यहाँ हटा दिए हैं। अब हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे बीच में से हमें इनके ऐसे दो हिस्से बना देने हैं। यहाँ पे हम इनके दो हिस्से बना देंगे ताकि हम इनको घी में अच्छे से फ्राई कर सके। तो अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है और अब इसमें मैं डालूंगी घी। तो घी मैंने यहाँ पे यूज किया है 3 छोटे चम्मच और इसको अच्छे से गरम होने देंगे। कढ़ाई को आपको लो फ्लेम पे रखना है, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट घी को हमने गरम कर लिया है लो मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसके अंदर हमारे जो क्यूब्स हैं उनको डाल देंगे। इनको हमें डीप फ्राई करना है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और आपको ब्रेड्स को तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ब्रेड बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है और इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी की ब्रेड्स को हम घी में फ्राई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे जो ब्रेड हैं वो सारे के सारे फ्राई हो गए हैं और बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर यहाँ पर आया है और ये जो है क्रंची भी हो चुके हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। तो अब हम यहाँ पर कढ़ाई में जिसमें घी है उस कढ़ाई के अंदर हम 1 ग्लास दूध डाल देंगे। दूध आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, अगर आपको लगता है दूध कम है तो आप बाद में उसमें ऐड कर देना। तो अभी मैं यहाँ पर 1.5 ग्लास दूध डाल रही हूँ। जो उसमें बचा हुआ घी था उसी के अंदर हम डाल देंगे। तो ये 1/2 ग्लास दूध और डाल देंगे और इस दूध को हमें थोड़ा उबाल आने तक पकाना है। यहाँ पे दूध डालने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे, मीडियम टू हाई, और उस पे इसको थोड़ी देर उबालेंगे और उबालने के बाद हम अपने ये ब्रेड इसके अंदर डाल देंगे। तो आप देख सकते हो दूध में उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इस दूध के अंदर हम अपने ये जो ब्रेड क्रम्स हैं इनको डालेंगे। थोड़ा तोड़ के आपको डालना है। डालने के बाद हम इसको अच्छे से हिला देंगे, अच्छे से हमें मिक्स करना है, सारी ब्रेड दूध के अंदर डिप हो जाए। तो आप देख सकते हो सारी ब्रेड ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ा सा कोई भी अगर आपको हार्ड पार्ट इसमें लग रहा है तो आप उसको अच्छे से तोड़ लेंगे। फ्लेम को आपको लो पे रखना है क्योंकि ये नीचे चिपकना शुरू हो जाता है। इसको कॉन्टिन्यूसली हम
हिलाते रहेंगे, पकाते रहना है हमें इसे। तो आप देख लेंगे आपका सारा दूध जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सारा ब्रेड ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसको यहाँ पे 2 से 3 मिनट पकाएंगे और फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाया है और आप देख सकते हो जो हलवा है इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है ये पक चुका है अच्छे से। तो यहाँ पर अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी मैंने यहाँ पे ली है 1 छोटी कटोरी। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप चीनी थोड़ी सी कम डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा कम मत डालना, नहीं तो फिर हलवे का टेस्ट आपको नहीं आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। आप देखोगे जैसे ही चीनी डली है हलवे का कलर चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है ये। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चीनी को इसके अंदर, और इसको लगातार आपको चलाते रहना है ताकि नीचे चिपके ना। तो चीनी डालने के बाद हमें इसे 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है, और इसको तब तक पकाना है जब तक ये पूरा घी ना छोड़ दे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हलवा जो है बहुत अच्छे से पक गया है, उसने पूरा घी साइड में छोड़ दिया है। और हलवे के पकने की यही पहचान होती है, जब हलवा घी छोड़ दे तो इसका मतलब है कि वो अच्छे से पक चुका है। तो इसको 1-2 मिनट हम लो फ्लेम पे थोड़ा चलाएंगे, और आप कलर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुनहरा कलर आया है, और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जब ये पक जाता है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें से। जब हलवा पक जाएगा तो हम इसमें डालेंगे इलायची। यहाँ पे मैंने 2 इलायची ली हैं और उनको अच्छे से कूट लिया है। इसमें हम खुशबू के लिए इलायची डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो इलायची अच्छे से मिक्स हो गई है और हलवा भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रेड का हलवा है वो बनकर तैयार हो गया है, और ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने इसको गार्निश किया है आलमंड्स और कैशू के साथ। आप चाहे तो इसमें किशमिश पिस्ता भी रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक ब्रेड का हलवा नहीं बनाया है तो इसे जरूर ट्राई करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये हलवा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।